वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सबका स्वागत है स्टडी रैपिड में। आज है 18 अप्रैल। आज के दिन हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आगामी एग्जाम यानी आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेस्ट होंगे और साथ ही साथ आपके नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में। बहुत स्पेसिफिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यदि आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ PDF और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि किसान रथ किसने शुरू किया है। देखिए अभी इस समय COVID-19 का कहर पूरे इंडिया में है, तो किसानों के लिए बहुत सारी समस्या है कि वो अपनी फसल को कैसे क्रॉप करें और किस तरीके से वो अपने सीड्स जितने भी हैं उसके ग्रेन्स गेहूँ है वो कैसे उसको एक्सपोर्ट करें या कैसे बेचें, क्या रेट मिलेगा उसके लिए। एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है और मंडी में ले जाने की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक एप्लीकेशन तैयार किया है किसान रथ, जिसके अंतर्गत ये होगा कि किसान अपना जो गेहूं का रेट होगा वो ऑनलाइन अपडेट करेगा। जैसे वो अपडेट करेगा उसके बाद जो वेंडर होगा यानी जो ट्रेडिंग करने वाला होगा ट्रेडर और ट्रांसपोर्ट, तो ट्रेडर कोऑर्डिनेट करेगा किसान से, जो व्यापारी होगा वो किसान से कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट करने के बाद वो ट्रांसपोर्ट से कोऑर्डिनेट करके आपके सामान को आपके घर से लेके जाएगा, जो कि अच्छे रेट पे लेके जाएगा। वो नेगोशिएबल होगा यानी कहने के बोला मोल भाव आपको करना होगा, किसान को करना होगा। बाकी जो सामान यानी कहने वाला जो आपका बीज होगा या जो आपका ग्रेन अनाज है वो आपका बिक जाएगा आसानी से। इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है ताकि आप उससे आसानी से अपने गेहूँ को बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते क्या है कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए किस बैंक ने $500 मिलियन देने की बात कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी बैंक जैसे इंटरनेशनल बैंक जितनी भी बैंक हैं सभी बैंक पैसा दे रहे हैं, ऋण दे रही हैं सभी देशों को, जिस देश को जिसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोवाइड कर रही हैं। इन फ्यूचर में कभी वो अपना पैसा लेंगी, लेकिन अभी फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है। तो AIIB बैंक ने दिया है या देने की बात कही है $500 मिलियन की, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में खर्च होगा पूरा पैसा COVID-19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी हाल ही में किसने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत किया है जो कि कोरोना वायरस के पीड़ितों के ऊपर। कहने का मतलब क्या है कि इससे पहले जो पोलियो में सिस्टम तैयार किया जाता था प्लाज्मा थेरेपी का, उसी सिस्टम के तरीके से दिल्ली में अब जो पेशेंट होंगे उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा, यानी कह रहे मतलब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेप है, मे बी इससे हो सकता है अच्छा रिजल्ट आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड वाइड फंड के नए ब्रांड एम्बेसडर यानी कह रहे एम्बेसडर किसे बनाया गया है इंडिया के लिए स्पेशली। देखिए वर्ल्ड वाइड फंड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड देता है कुछ पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए। तो जो जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए विश्वनाथन आनंद, जो कि आपको पता होगा जो कि शतरंज के बादशाह हैं और 5 साल तक यानी 4 से 5 बार वो चैंपियन रह चुके वर्ल्ड चैंपियन, तो उनको बहुत सारा नॉलेज है इसलिए उनको एम्बेसडर बनाया गया। बेसिकली उनका जो मिशन है वो ये है कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनको इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, कहने का मतलब जो पर्यावरण है हमारा वो कैसे अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो सारे फार्मूले वो सारे एजुकेशन सिस्टम को इन्हेंस करना है बढ़ाना है। इसलिए WWF ने एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को। अगला क्वेश्चन कि जरूरी वस्तुओं को घर तक पहुंचाने के लिए किसने सिघाट वेबसाइट की शुरुआत की है। देखिए ई कॉमर्स की वेबसाइट बहुत सारी हैं, लेकिन एक रीजनल वेबसाइट है जो कि वो पर्टिकुलर एरिया में क्या करेगी डिलीवरी देगी, डोर स्टेप डिलीवरी देगी, वो शुरुआत किया है छत्तीसगढ़ ने। वो इसलिए शुरुआत किया है, देखिए COVID-19 की प्रॉब्लम हर जगह है, हॉटस्पॉट की बहुत सारी दिक्कतें हर जगह है, डिलीवरी करना सामान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इसेंशियल चीज़ें जो डेली रोज़मर्रा जीवन के लिए जो ज़रूरत होती है वो सामान पहुंचाने के लिए सिघाट वेबसाइट के जरिए डिलीवरी की जाएगी, जो कि छत्तीसगढ़ से ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप सब पता है कि हीमोफीलिया एक बहुत ही भयानक डिजीज होता है, जिसके अंदर जब किसी को जो पीड़ित है व्यक्ति हीमोफीलिया से अगर उसको थोड़ा सा भी कट जाता है कहीं पे या फोड़े हो जाते हैं या उनसे कुछ भी हो जाता है जैसे
या बॉडी में ऐसे भी घुटनों में दर्द होता है तो कहीं से भी अगर ब्लड निकलता है थोड़ा देते तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है उसमें, उनका ब्लड क्या होता है जमता नहीं। जैसे क्या होता है नॉर्मल इंसान स्वस्थ इंसान के लिए अगर ब्लड से लग गया किसी भी वस्तु से लग गया तो ब्लड तो रुक जाता थोड़ी देर के अंदर, 1 मिनट के अंदर से कम समय में रुक जाता है, लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड क्या होता है रिसाव जाता रहता है, रुकता नहीं जल्दी, या कोई एक्सीडेंट होता है तो रुकता नहीं ब्लड, उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ख़राब बीमारी है एक तरह से, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में ताकि लोग अवेयर रहे और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी ठीक करवा सके वो। तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो शुरुआत किया है वो कृषि मंत्रालय ने किया है। कृषि मंत्रालय ने स्पेशली शुरू किया है कि किसानों के लिए कॉल सेंटर के लिए। देखिए किसानों कॉल सेंटर बहुत समय पहले से भी थे, लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा एक्सेस करने के लिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसा शुरुआत किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेस कोरोना ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, इसका जो मेन मकसद है या मिशन है वो ये है कि जब भी कोई लोकेशन पे विजिट करते हैं अधिकारी लोग, होता क्या है कि वो डेटा ऑफलाइन लिख के आते हैं, यानी शीट होती है जिसमें मैनुअल लिख के आते हैं, उसको लिख के आने के बाद नेक्स्ट डे वो अपडेट होता है ऑनलाइन। उसमें क्या होता है कि जो डेटा आकलन होता है कि कितने पेशेंट दिल्ली में हुए 1 दिन के अंदर, उसको 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है टाइम। तो इसीलिए ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन किया गया बनाया गया है ताकि जब भी अधिकारी लोग जाएं चेक करने के लिए वो हाथों हाथ उसमें तुरंत अपडेट करेंगे ऑनलाइन, ये पेशेंट यहाँ पर मिले हैं। तो उससे क्या होगा, डेटा ऑटोमेटिकली ऑनलाइन वेबसाइट हो जाएगा और रिकॉर्ड के तौर पे वो देखा जाएगा कि जल्दी जल्दी एक्शन लिया जा सके। इसलिए एक्सेस कोरोना एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है दिल्ली सरकार ने। ये कुल मिलाकर जो इसका मिशन है वो यही है, कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। इसलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये डिकॉन्टिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टनल जो सभी ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली बना रही हैं अपने एम्प्लॉयों के लिए या और भी तरीके से हेल्प करने के लिए, कहीं हॉस्पिटल लगाने के लिए, रेलवे स्टेशन लगाने के लिए, बस स्टैंड पर लगाने के लिए, ताकि उस टनल से लोग जाएँ और डिसइन्फेक्ट हो जाए, कहने मतलब इन्फेक्शन का जो है जिसके सैनिटाइज कहते हैं वो हो जाए, जो कि फॉग के जरिए होता है, साबुन के जरिए उसमें होता है, तो कई स्प्रे के जरिए होता है, तो कई तरीके होते हैं ऐसे फार्मूले। इसलिए पूसा ने ऐसा डेवलप किया है। तो ये पूसा जो संस्थान है ये कहाँ पर है, पूसा संस्थान है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। इन्होंने डेवलप किया है डिसकॉन्टिनेशन, जो कि ये क्या करेगा, इस टनल के अंदर जो भी व्यक्ति जाएगा उसे क्या करेगा, सैनिटाइज करेगा प्रॉपर तरीके से, डिसइन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिल्ली में है ये इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में किसने क्रिक डॉन, ये जानते हैं क्रिक किंग डॉन बहुत ही बड़ी एक वेबसाइट है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया है। देखिए ऑब्वियसली है, ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि अगर किसी क्रिकेट का फील्ड का है उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो मोस्टली प्रीफर किया जाता है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी होगा उसे ही बनाया जाए। उससे फ़ायदा होता है, उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है और वो अच्छे से अच्छे स्टेप ले सकता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन और संस्थान का डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी शुरुआत यानी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो बनाया गया है रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के वाइस कैप्टन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO किसे बनाया गया है। पेटीएम आपको पता है, जैसा कि हर कोई जानता है, कि पहले पेटीएम पेमेंट QR कोड के जरिए होता था, लेकिन अभी भी QR कोड के जरिए होता है, लेकिन UPI में कन्वर्ट हो चुका धीरे धीरे। तो इसका इंश्योरेंस का भी एक डिपार्टमेंट है पेटीएम का, जहाँ से इंश्योरेंस किया जाता है। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो MD और CEO नियुक्त किए गए उनका नाम है विनीत अरोड़ा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यदि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत इंस्टा पे किसने शुरू किया है। देखिए भारत इंस्टा पे जो शुरुआत किया गया है वो किया BSNL ने। BSNL ने शुरू किया है SBI बैंक के साथ मिलकर के। क्या होता है, जब एक बैंक या एक ऑर्गेनाइजेशन जब मिलकर कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो डेटा होते हैं एक दूसरे का वो इंटरचेंज होता है। उससे बेनिफिट ये होता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा होते हैं मिक्सअप होते हैं। जैसे क्या है, अब BSNL का एक नेटवर्क है,
और SBI का भी एक अपना नेटवर्क है। जब ये दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल करके कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों कस्टमर जल्दी से जल्दी अवेयर हो जाते हैं, दोनों अपनी अपनी वेबसाइटें पे ये ऑप्शन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है उनका बिजनेस दोनों का एकाएक बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो क्लैप मर्जर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लॉन्च करते हैं उसका जो एडवर्टीजमेंट होता है बहुत तेज़ी से होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है और सक्सेसफुल भी होता है ऐसा बिजनेस। तो भारत इंस्टा पे शुरुआत किया है BSNL ने विद द हेल्प ऑफ द SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके शुरू किया है। तो ये थे सारे वीडियो, जो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पूरी कोशिश किया है कि इसमें अच्छे से अच्छा और लेटेस्ट क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश की है। आप सबको वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।